इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में सामाजिक मुद्दे पर काफी ज्यादा लोग ध्यान देना शुरू कर चुके हैं, खासकर बेटियों के लिए। जी हाँ, भोजपुरी की कई फिल्में बननी शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि कल एक भोजपुरी फिल्म मेरी बिटिया रानी का मुहूर्त हुआ है। तो देखिए आखिर क्या खास है इस फिल्म में। बाइट जी हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल दे देंगे। ये एक नया तरह का कॉन्सेप्ट है बिटिया रानी, जैसे कि आपने टाइटल देखा है। तो बिटिया रानी जो है वो बच्ची पर आधारित है, बच्ची का स्ट्रगल है, उसके माँ बाप उसको पालते हैं पोसते हैं और फिर स्ट्रगल करके कहाँ तक उसको आगे बढ़ाते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है। अभी हमने पिछली बार 2-3 महीने पहले इसका कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, अब हमें प्लानिंग भी शुरू हो जाने वाले हैं। तो आपने कोई रियल लाइफ इंसिडेंट से ये प्रेरणा ली है, ये स्टोरी लिखा है? घटनाएं देखिए, घटनाएं तो होती रहती है, आपको आए दिन कहीं ना कहीं बिटिया के ऊपर, लड़की के ऊपर कोई ना कोई आपको न्यूज़ मिलते रहता है, वो टीवी हो या ये हो, भ्रूण हत्याएं इतनी हो रही हैं, लोग बच्ची को फेंक दे रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं, वो तो हो रहा है आपके सामने, नज़र के सामने, हर आदमी इस चीज़ को जानता है। तो हम थोड़ा सा राइटर हैं तो थोड़ा सा इसको सोचते हैं कि इस चीज़ को हम दर्शक के सामने कैसे दर्शाए। सर आज़ादी ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में आप देख रहे हैं बहुत सारी सामाजिक मुद्दे पे फिल्म बन रही है, तो कितना ज़रूरी है सामाजिक मुद्दे पे फिल्म बनाना और कितना ज़्यादा उस चीज़ को और प्रेरित करना चाहिए लोगों को? देखिए ज़रूरी है, जागरूकता तो लानी चाहिए और हम तो कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि ये गलत है। सारे लोग जानते हैं कि ये गलत है लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, क्या करें, ये क्या बताऊँ, मतलब किस तरह के लोग करें जो शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। भ्रूण हत्या तो एक पाप है सर, गॉड ने आपको गिफ्ट दिया, उसे एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से प्रियंका की रिपोर्ट।